भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से मौत का तीसरा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के मुंबई में संक्रमण से पीड़ित 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा था। इससे पहले कर्नाटक में 76 साल के बुजुर्ग और दिल्ली में 68 साल की महिला की संक्रमण से मौत हो गई थी। वहीं देश में कोरोना संक्रमित मामले 130 से ज्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते सभी सरकारी दफ्तर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। इस चैलेंज में विजेताओं को नगद राशि भी दी जाएगी। इसमें विजेता को 1,00,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने #IndiaFightsCorona के साथ ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग COVID-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @MyGovernmentIndia पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूँ। आपका ये प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। कोरोना वायरस ने अब तक 162 देशों को चपेट में ले लिया है। अब तक कुल 1,83,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया में 7,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 79,911 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने मंगलवार को कुछ नए फैसले लिए हैं। राज्य में 31 मार्च तक सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 2 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने गरीबों को आर्थिक मदद करने का फैसला भी किया है। योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि राज्य में गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करेगी। ये पैसा सीधे गरीबों के खाते में RTGS के जरिए डाल दिया जाएगा। टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा के बाद हॉलीवुड के कई और एक्टर्स में कोरोना का वायरस पाया गया है। इसमें जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस की एक्ट्रेस ओल्गा करिलेंको, एवेंजर्स के एक्टर्स इद्रिस एल्वा और गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर क्रिस्टोफर ह्यूज शामिल हैं। इन तीनों ने ही सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव होने की जानकारी दी है।